90 का दशक बॉलीवुड का वो दशक माना जाता है जहां काम करने वाले कई एक से बढ़कर एक कलाकारों ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग के साथ साथ अपने शानदार लुक और पर्सनालिटी से भी दर्शकों को यूं पागल बनाया था कि सभी दर्शक उनके दीवाने हो गए थे और घर घर देखना खूब पसंद करते थे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 90 के दशक में नजर आए वो सभी कलाकार आज इतने सालों में कितने ज्यादा बदल चुके हैं, जहां उनकी पर्सनालिटी से लेकर उनके फेस पर भी इतना ज्यादा बदलाव आ चुका है कि आप अगर उन्हें देखेंगे तो जल्दी से पहचान नहीं पाएंगे। तो इसलिए आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको 90 के दशक के टॉप 5 सितारों की बदली हुई पर्सनालिटी से रूबरू कराएंगे। तो फिर आइए मिलते हैं उनसे। नंबर 1, हुमा खान। खतरा और मैंने प्यार किया जैसे फिल्मों में चैन छबेली बनकर रंग बिरंगे कपड़ों के साथ फेस पर खूब सारा मेकअप किए और हर एक तरह की ज्वेलरी पहने, माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाए हुए, बालों में गजरा पहने, अपनी पतली पतली कमर लचकाए अभिनेत्री हुमा खान हमें नजर आई थी। वहीं वो आज अपनी 47 साल की उम्र में काफी ज्यादा मोटी नजर आती है। जी हाँ, आज वो काफी ज्यादा मोटी दिखती है। इसी के साथ वो नॉर्मल कपड़े कैरी करती है पर बढ़ती उम्र के चलते के फेस पर झुर्रियां भी नजर आने लगी हैं, लेकिन वो अब पहले से ज्यादा गोरी दिखती है। नंबर 2, हरीश पटेल। 90 के दशक के पॉपुलर अभिनेता हरीश पटेल जहां अपनी ज्यादातर फिल्मों में कुर्ता पैजामा और कोट पैंट पहने हुए छोटे छोटे बालों के साथ अपने कॉमेडी अंदाज में नजर आए थे, वहीं आज इन्होंने अपनी 68 साल की उम्र पार कर ली है और इस उम्र में ये काफी बूढ़े दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं बल्कि ये तो पहले से इतने मोटे हो गए हैं कि कोई उन्हें एक नजर में पहचान भी नहीं पाएगा। आपको बता दें कि ये पहले की तरह आज भी ज्यादातर कोट पैंट जैसे फॉर्मल कपड़ों में नजर आते हैं। वहीं उनके सारे बाल भी सफेद हो चुके हैं जिससे उनका बुढ़ापा साफ झलकता है। नंबर 3, सलमान खान। मैंने प्यार किया और हम साथ साथ हैं जैसे फिल्मों में जहां अभिनेता सलमान खान कभी छोटे बालों के साथ तो कभी बड़े बालों के साथ ज्यादातर पैंट शर्ट और कोट पैंट पहने हुए सूट बूट के साथ पतले दुबले से काफी हैंडसम दिखाई देते थे, वहीं आज उन्होंने अपनी 55 साल की उम्र पार कर ली है और इस उम्र में वो पहले से बहुत मोटे होने के साथ साथ बूढ़े भी दिखाई देते हैं। जी हां, जब भी हम सलमान के फेस को गौर से देखते हैं तो उनके फेस पर झुर्रियां और डार्क सर्कल्स साफ दिखाई देते हैं। इसी के साथ अब वो काफी स्टाइलिश और सूट बूट में नजर आते हैं। नंबर 4, मोहनीश बहल। अपनी ज्यादातर फिल्मों में कोट पैंट और कुर्ता पैजामा पहने हुए बड़े बालों के साथ काफी हैंडसम लुक में अभिनेता मोहनीश बहल पतले दुबले नजर आते थे, वहीं आज इन्होंने भी अपनी 60 साल की उम्र पार कर ली है और इस उम्र में वो भले ही थोड़े बूढ़े दिखाई देते हो पर पहले से काफी ज्यादा स्टाइलिश कपड़े कैरी करते हैं और सूट बूट में नजर आते हैं। नंबर 5, भाग्यश्री। 90 के दशक की मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस भाग्यश्री जहां हमको दीवाना कर गए और मैंने प्यार किया जैसे फिल्मों में सूट साड़ी पहने हुए लंबे खुले बालों के साथ अपने भोले से अंदाज में पतली दुबली सी काफी गोरी चिट्टी हमें नजर आई थी, वहीं आज उन्होंने अपनी 52 साल की उम्र पार कर ली है और इस उम्र में ये पहले से और भी ज्यादा बोल्ड दिखाई देती है। जी हाँ, आज वो काफी फैंसी गाउन टॉप शॉर्ट ड्रेसेस कैरी करती है। इसी के साथ अब उन्होंने अपने बाल भी काफी छोटे कर लिए हैं जिसमें वो काफी क्यूट सी दिखाई देती है। तो दोस्तों, आपको क्या कहना है इन सितारों के बारे में? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।